सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट की। अखिलेश को साइकिल सिंबल मिलने के बाद अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने की बारी है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव आज अपनी लिस्ट जारी कर सकते हैं। अखिलेश और मुलायम ने अलग अलग उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन पार्टी के अंदर विवाद के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इससे पहले मंगलवार को मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को 39 नामों की लिस्ट दी थी, जिसमें ज्यादातर शिवपाल के करीबी हैं और अखिलेश ने अंबिका चौधरी के अलावा बाकी नामों पर सहमति जताई। साइकिल जीतने के बाद मंगलवार को जब अखिलेश यादव दूसरी बार मुलायम के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर शिवपाल पहले से ही मौजूद थी। एक बार फिर चाचा भतीजा आमने सामने थी, लेकिन हालात बदल चुके हैं। तीनों के बीच ये मुलाकात कुछ ही मिनट में खत्म भी हो गई। इसके बाद मुलायम ने 39 लोगों की एक लिस्ट अखिलेश को भेज दी। ये वो नाम है जिन्हें मुलायम चुनाव में टिकट देना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसमें मुलायम ने अपने और शिवपाल के करीबियों के नाम दिए हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर मुलायम की दूसरी बहू अपर्णा यादव का नाम है। अपर्णा लखनऊ कैंट से टिकट चाहती है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का नाम भी है। आदित्य यादव को जसवंत नगर से टिकट देने की मांग है। अंबिका चौधरी समेत अखिलेश कैबिनेट में मंत्री रह चुके कुछ नाम भी हैं। इन सभी मंत्रियों को अखिलेश ने हटा दिया था। सूत्र बताते हैं कि अंबिका चौधरी को छोड़कर अखिलेश मुलायम की इस लिस्ट पर मोटे तौर पर मुहर लगा देंगे। वजह यह है कि वो अब मुलायम से सीधे सीधे कोई टकराव नहीं चाहते। सूत्र ये भी बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव का गुस्सा अभी पूरी तरह उतरा नहीं है, लेकिन वो अब अखिलेश के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ा नहीं करना चाहते। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुलायम ने समर्थकों को केस मुकदमे से दूर रहने को कहा है। हालांकि पहले से ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे राम गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कोई याचिका दायर की जाती है तो कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, यानी अखिलेश यादव गुट को सुनने के बाद ही कोई आदेश दिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।